आज हम सभी के हाथ में एक टूल है जिसे मोबाइल कहते हैं। इसके ऑफ होने पर या गिर जाने पर ऐसा लगता है जैसे सीने पर चोट लगी हो। जहां एक तरफ मोबाइल का एडिक्शन बच्चों से लेकर बड़ों में है, वहीं दूसरी तरफ गेम एडिक्शन आज के यूथ में हावी होता जा रहा है। पहले भी कई गेम ऐसे आए हैं जिन्हें खेलने के बाद कोई मनोरंजन या फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ। अब गेम एडिक्शन सुन के आपके भी मन में सबसे पहला नाम पबजी ही आया होगा। इसकी वजह से कई जिंदगियां तबाह हो गई। इस गेम को खेलते हुए कई बच्चे मानसिक रूप से बीमार व हिंसक होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लखनऊ से आया है जहां 16 साल के नाबालिग बेटे ने अपनी ही माँ को गोली मार हत्या कर दी। आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या बच्चे की मानसिक हालत ठीक नहीं थी या गेम के एडिक्शन से उसका ये हाल था या फिर मामले में कुछ और राज छिपे हैं? सवाल तो कई खड़े होते हैं इस हत्याकांड को देखकर। दरअसल माँ को गोली मारने का कारण ऑनलाइन गेम पबजी है। नाबालिग की माँ उसे ये गेम खेलने से मना करती थी। इस बात से बच्चे ने आक्रोश में आकर माँ की हत्या कर दी। पहले तो बच्चे माँ बाप से बड़े बड़े विवादों पर भी ऊंची आवाज़ तक में बात करने से कतराते थे। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब बच्चा मात्र एक ऑनलाइन गेम की वजह से क्रोधित होकर अपनी ही माँ की गोली मारकर हत्या कर दे? खैर, ऑनलाइन का ज़माना है। जहाँ पहले पेरेंट्स बच्चों को एक निश्चित उम्र में मोबाइल दिलाया करते थे, वहीं अब छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल दिलाना पड़ रहा है। बच्चे मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की जगह ऑनलाइन गेम खेल अपनी ज़िंदगी खत्म कर रहे हैं। कुछ समय पहले एक ऑनलाइन गेम आया था जिसका नाम था ब्लू व्हेल। इस गेम को बच्चों से लेकर बड़ों ने खेला और अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। ये गेम इतना हानिकारक बन चुका था कि इसे बैन करना पड़ा। आजकल के समय में बच्चे तो बच्चे, लेकिन जब बड़े ही ऐसा करें तो फिर क्या कहना। ऑनलाइन के नाम पर बड़ी बड़ी ठगी भी देखने को मिली है। जहां ऑनलाइन का एक फ़ायदा है, वहीं इसके 100 नुकसान भी हैं। लोग ऑनलाइन की वजह से एक दूसरे को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं ये साफ साफ दर्शा रही है कि किस तरह ऑनलाइन गेम्स की वजह से लोगों के दिमाग पर असर पड़ रहा है और कैसे गेम खेलने की वजह से व्यक्ति आक्रोश में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।